ये वन टू, ये थ्री। देखिए अब ये खुद बताएगा कि इसे कितना ज्यादा प्रेशर फील हुआ है। कैसा फील हुआ है? अजीब सा लगा, एकदम सर में दर्द जैसा टाइप हुआ। देखिए ये बहुत डेंजर चीज है, अगर आप इस चीज ऊपर प्रेशराइज करते हो, मैं तो जानता हूँ कि कैसे होता है, तो मैं उतने भी होल्ड कर देता हूँ, क्या इससे ज्यादा आगे हमने नहीं बढ़ना है। ये इस जर्क से तुरंत इसका माथा है जो पूरा हिल जाएगा, उसका दिमाग पूरा हिल जाएगा, उसे आंखों सामने तुरंत अंधेरा छा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर सेलेक्शन में, और आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बहुत प्यारी प्यारी सी टेक्निक्स बताने वाला हूँ अबाउट नेक, गर्दन के बारे में। ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे दोस्तों दुश्मन आंखों सामने तुरंत अंधेरा छा जाएगा, तुरंत वो जमीन पर गिर पड़ेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऐसी टेक्निक्स हैं और आज मैं इसे करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पॉइंट्स आप छोड़ बैठेंगे, ठीक है? पिन पॉइंट्स के साथ बताऊंगा। और अगर आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, एक बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं इसमें, और इसमें बहुत बड़ा बड़ा करियर है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 500 मंथली फीस पे करके। व्हाट्सएप पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, और व्हाट्सएप करने के साथ साथ बस नहीं लिखिएगा केवल आई वॉन्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग एट होम, ज़्यादा उसमें मैसेज करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिखिएगा और आपकी ट्रेनिंग घर बैठे बैठे करा दी जाएगी, और सर्टिफिकेट भी बाई इंडियन पोस्ट आप घर तक पहुँचेगा, यानी कि पूरा लीगल प्रोसेस के साथ आप इंटरनेशनल तक यहाँ से पहुँच सकते हो। चलिए अब बताता हूँ कि किस तरीके से आप अगले के ऊपर ये दाव पेच लगाओगे, कैसे उसे हराओगे, कैसे उसे पीटोगे रोड फाइट में, सारी टेक्निक्स बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ कि वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ है और क्या क्या है, उसे कहते क्या है। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो थ्रोट एरिया होता है वो होता है इस बोन से इस बोन के बीच में, ठीक है। इसमें सामने का थ्रोट भी होता है, ठीक है, नेक के दो वेनियस भी होते हैं, पीछे इस साइड में बोन भी होती हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा ये थ्रोट सामने उठा हुआ होता है, अगर हम इसके ऊपर प्रेशराइज कर देते हैं, तुरंत ब्रेन से उसके बॉडी का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, आंखों सामने तुरंत अंधेरा छा जाएगा। देख बताता हूँ कैसे। इन केस कभी कोई आपका कॉलर पकड़ा हो या कोई ऐसा गर्दन पकड़ लिया हो, तो आपको अपने इस बोन का यूज करना है, हैंड बोन का, ठीक है, और इसको एज ए नाइफ बनाते हुए इसके चॉप के तरीके से इस गर्दन को प्रेशराइज करना है, और पीछे से इसे हुक टाइप का अपने पाम से हुक बनाना है और इसके ऊपर प्रेशराइज करना है। देखिए इस तरीके से ये खड़े हैं, हमने ये पकड़ लिया इस बंदे को, ये पकड़ लिया, ठीक है, देखिए इस बंदे को पकड़ लिया, और ये हमने हड्डी में पकड़ लिया, और अपने इस हाथ को हमने यहाँ से इस तरीके से पकड़ लिया, ये इस तरीके से, ये देखिए वन टू, ये थ्री। देखिए अब ये खुद बताएगा कि इसे कितना ज्यादा प्रेशर फील हुआ है। कैसा फील हुआ है? अजीब सा लगा, एकदम सर में दर्द जैसा टाइप हुआ। देखिए ये बहुत डेंजर चीज है, अगर आप इस चीज ऊपर प्रेशराइज करते हो, मैं तो जानता हूँ कि कैसे होता है, तो मैं उतने भी होल्ड कर देता हूँ, क्या इससे ज्यादा आगे हमने नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसके ऊपर किसी दोस्त ऊपर ज्यादा प्रेशर, यानी हल्के प्रेशर से लगा के देखिएगा इस टेक्निक को कैसा फील होता है। उसके बाद आप अपने थंब का इस्तेमाल कर सकते हैं। थंब का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, सपोज फाइट करते वक्त आपका हाथ इस तरीके से फंस जाता है, या आप उसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं, तो उसके गर्दन के ऊपर ये अंगूठा लगाना है और इस साइड में ढकेल देना है इस तरीके से। बहुत बुरा पेन होगा दोस्तों, ये देखिए ये हाथ जैसे इस तरीके से फंसा, और मैंने इस अंगूठे को यहाँ पे लगा दिया, इस अंगूठे को यहाँ पे, और इसे मैंने नीचे तरफ डाउन कर दिया, ये बहुत बुरा पेन होगा। दो टेक्निक जो हमारी नस, ये देखिए मैंने इधर गर्दन घुमाई, ये जो हमारी नस खड़ी हो रही है, इसे अंदर की तरफ, इसके ऊपर नहीं, इसे अंदर की तरफ, ये बहुत पेनफुल वाली चीजें हैं, ठीक है, और इसे ऐसे कहीं यूज मत कर दीजिएगा, उसकी जान भी जा सकती है। तो आप पे सेफ्टी के प्रिस्क्रिप्शन के लिए बता रहा हूँ कि जान पे बना तब इसे करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस हेड के पीछे, यानी कि ये जो हड्डी आ रही है, इस हड्डी के ऊपर अगर आप कसके पंच मार दे, तो देखिए अब मैं हल्का सा आपको नमूना दिखाता हूँ, ये रखा, ये इस जर्क से तुरंत इसका माथा है जो पूरा हिल जाएगा, उसका दिमाग पूरा हिल जाएगा, उसे आंखों सामने तुरंत अंधेरा छा जाएगा। अगर इस एल्बो का यूज करके आप उसे सीधा खींच करके हिट कर देते, तो यानी कि ये चीज है, और यहां मैंने इसके हिट मार दिया,
इसे हिट मारने के साथ साथ दोस्तों उसकी डेथ भी हो सकती है। ये बहुत डेंजर चीज है, तो बिना बात के कि जो खींच के नहीं मारना है, सेफ्टी के साथ। तो मैंने इस हाथ का यूज किया था और इसे मारा था ताकि चोट जो है मेरे हाथ पे लगे उसे बस धक्का लगे, और इतना ही करने से बंदे की हालत खराब हो जाती है केवल 5% प्रेशर देने से। अभी 95 प्रेशर बचा है, तो इससे भी बंदे की हालत खराब हो सकती है, तुरंत वो बेहोश होकर गिर सकता है जमीन पे। उसके बाद दोस्तों कहीं रोड फाइट हो जाती है, अगले ने कॉलर पकड़ लिया छोड़ नहीं रहा है, फिर आप एक अंगूठे का कमाल या एक फिंगर का कमाल कैसे करेंगे देखिए। बंदे ने कॉलर पकड़ लिया, ठीक, इस उंगली को यहाँ रखना है और ये धक्का दे देना है। ये कहाँ पे रखना है वो देखिए, इससे ऐसी डेथ नहीं होगी, वो रखना है इस गड्ढे पे। ये जो हल्का सा गड्ढा बना हुआ है ना, ये डाउन टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे गर्दन और इस बोन आ ज्वाइंट है, वहाँ पे फिंगर रखना है और इसको नीचे तरफ प्रेशराइज कर देना है। केवल एक उंगली का कमाल है या एक अंगूठे का कमाल है, ये रखेंगे तो ज़्यादा प्रेशर लग सकता है, अंगूठे में ज़्यादा ताकत होती है, इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा उंगली का इस्तेमाल कीजिए, अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना है। ये रखें, बंदे ने कॉलर पकड़ा, ये तुरंत रखें और ये प्रेशराइज करती है, तुरंत छोड़ देगा आपको, तुरंत दूर हट जाएगा आपसे और आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे, उसे पीट सकते हो बुरी तरीके से। उसके बाद कई लोग दोस्तों इस तरीके से आपको चोक पकड़ लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से, ये बहुत डेंजर चीज़ है, बट मैं इसे उतना डेंजर नहीं मानता बिकॉज क्योंकि उसने आप पे पूरे गर्दन पे प्रेशर दे रखा है, किसी एक पिन पॉइंट पे प्रेशर नहीं है। जब हमें किसी गोली से मारा जाता है तो उसी चोट अलग होती है, किसी डंडे से मारा जाता है तो उसी चोट अलग होती है, तो गोली और डंडे वाली कहानी है। अगर आपको कोई चोक लगा रहा है तो आपकी जान निकलने में कम से कम बहुत टाइम लगे, कम से कम 2-4-5 मिनट लगेंगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है उसमें, बट सीधा अगर थ्रोट के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, 1-1.5-2 मिनट के अंदर अंदर कहानी खत्म हो जानी है। तो चोक से भी बचने के टेक्निक्स हैं। देखिए बंदा मुझे चोक लगाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ये इस तरीके से, ठीक है, और इस वाले पैर को इधर निकालिए ये, और इसके गर्दन को यहाँ से पकड़ के खींचने की कोशिश कीजिए हाथों के साथ, और ये टेक्निक इस तरीके से, ये देखिए अब इसकी गर्दन यहाँ पे फंस चुकी है बुरी तरीके से, और ये अपने ही जाल में फंस चुका है बंदा बहुत बुरी तरीके से। इस टेक्निक से भी आप यहाँ पे बचाव पा सकते हैं, यानी कि मेरे इस टेक्निक को बताने का सेंस ये है कि जब आप पे बहुत दूर में अटैक हो रहा है, गर्दन में बहुत दूर में अटैक हो रहा है, तो वो तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लीजिए, ऑल पे जरूर हिट कीजिएगा, ऑल पे हिट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। और थोड़ा सा टाइम निकाले दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप अगर वगैरह आप चलाते हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और बस दोस्तों बस आज के लिए नहीं था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।